हेलो दोस्तों, आज हम अपना नया व्लॉग बनाने के लिए वोपारी गांव में चले गए। वहाँ पर मेला लाइव दिखाएंगे। अभी हम आपको एक मेला दिखाने के लिए मेले में पहुंच रहे हैं। अभी वोपारी मेले में आप पहुंचने वाले हैं। अब आपको ये वीडियो पूरा दिखाएंगे। हमारा वीडियो जरूर देखना, हमारा प्यारा मारवाड़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। अभी हम केसरिया कंवरजी मंदिर में मौजूद है और आपको ये मेले का पूरा ब्लॉग, निज़ाम तवर ब्लॉग बता रहे हैं आपको। हमारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, हमारा प्यारा मारवाड़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। और अभी हम पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं और वीडियो ज़रूर देना। वोपारी केसरिया कंवरजी मेला। हेलो दोस्तों, ये है वोपारी गांव का केसरिया कंवरजी मंदिर का मुख्य द्वार, मुख्य गेट कह सकते हैं। ये इस मुख्य द्वार से होते हुए हम केसरिया कंवरजी के मेले के अंदर अभी चल रहे हैं। और इस मेले के अंदर काफी दुकानदार आते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, निचले निम्न स्तर के लोग होते हैं जो अपना भरण पोषण इन मेलों के द्वारा ही करते हैं। छोटी छोटी दुकानें लगाकर अलग अलग अपनी कलाकृतियाँ, अपने खिलौने या अपने हाथ की कलाकृतियाँ लेकर आते हैं। कारीगर जैसे किसानों के लिए, किसानों के कुछ लोहे के साधन, कपड़े, जो गरीब तबके के लोग होते हैं जिनको सस्ता माल भी मेले में आता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो इन मेलों से कुछ खरीदारी करते हैं। ये मिठाई की दुकान है जो बगड़ी नगर के निज़ाम तवर के भतीजे हैं अरमान तवर, इनकी दुकान है। और साथ में ये काफ़ी मेला तो बहुत लंबा है, ये केसरिया कंवरजी का मेला साल में कम से कम 24 बार भरा जाता है, महीने के अंदर 2 बार भरा जाता है। और केसरिया कंवरजी का दिन होता है नम नम, मतलब अंधेरी नम और चांदनी नम, दोनों नम को ये मेला भरा जाता है। और हर मेल इन मेलों के अंदर देखो छोटे छोटे दुकानदार भी आते हैं और प्लस झूले वाले आते हैं, बच्चे आनंद करते। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को एक खुशी का एहसास होता है इन मेलों में, एक उनको आनंद महसूस होता है कि ये मेले आते हैं, मेलों में घूमते हैं बच्चे। और माँ बाप मेले में बच्चों को खिलाने के लिए ज़्यादातर, देखिए ये बड़े बड़े झूले लगते हैं। अभी हम सुबह का टाइम है, सुबह सुबह हम इस मेले में पहुंच गए हैं और सुबह सुबह ही हम इन दुकानों का हम बता रहे हैं। अभी इस मेले में अभी फिलहाल तो इतनी कोई भीड़ है नहीं। और ये आइसक्रीम वाले भाई साहब, और काफ़ी ऐसी आइसक्रीम की गाड़ियाँ आती, खूब सारी गाड़ियाँ आती। ये सुरेश जी भाई साहब है हमारे बगड़ी नगर के, खिलौने के किंग कह सकते हैं। हर मेलों में खिलौने की दुकानें लगाते हैं और साथ में काफ़ी दुकानें लगती। कुछ लोग प्याऊ लगाते हैं मंदिर संस्था की तरफ से, और कुछ माताएं बहनें ज़्यादातर जलेबी खाने का आनंद लेती है। गर्मा गर्म जलेबी निकलती रहती है और हलवाई गर्मा गर्म जलेबी निकालते हैं। और मारवाड़ की जलेबी का खान आनंद मारवाड़ के ग्रामीण लोग करते हैं, सिरवी, जाट, देवासी और ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग होते हैं जिनको ज़्यादातर ये जलेबी, गुजर, रायका है, जितने भी होते हैं उनको ये जलेबी खाने का आनंद होता है, इन मेलों में घूमने का आनंद लेते हैं। और उसके बाद सबसे छोटे छोटे मेलों ज़्यादा काफ़ी ऐसे मध्यम वर्ग के मावा खाने का, जिनको इन मेलों में घूमने का बड़ा ही शौक होता है। मारवाड़ी लोगों को ऐसे मेले बहुत प्यारे लगते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी है, जो बेंगलोर, मद्रास, पूना, कलकत्ता, गोवा और राजस्थान के बाहर रहते हैं, उन प्रवासी लोगों को इन मेलों में घूमने का बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। और वो राजस्थान के बाहर बैठे बैठे इन मेलों को बहुत याद करते हैं, उनको इन मेलों की बहुत याद आती है। इसलिए हम ये ब्लॉग बनाते हैं उन राजस्थान के मारवाड़ी भाइयों के लिए, राजस्थान के भाइयों के लिए जो मारवाड़ी लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल है हमारा प्यारा मारवाड़, उसी तरीके से फेसबुक पर भी हम लाइव दिखाते रहते हैं। उस पेज का नाम है हमारा प्यारा गाँव बगड़ी नगर, जहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र की सारी न्यूज़ हम दिखाते रहते हैं।
और हर जगह के हम अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आते हैं। ये देखिए, ये चाट खाने का आनंद ही कुछ और होता है मेलों में। और मेले के अंदर जो प्रवासी मारवाड़ी लोग होते हैं बहुत ही आनंद लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं फिरते हैं और केसरिया कंवर जी का जो कलश आता है उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय में कलश आ जाएगा। और कलश आ जाएगा और माताएं बहनें और जितने भी ग्रामीण की जो लोग होते हैं उनको ये चीज़ें देखने का बहुत अच्छा लगता है। और जो प्रवासी होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही खुशी का एहसास करते हैं, क्यों राजस्थान के बाहर जो लोग रहते हैं उन लोगों को मारवाड़ के अंदर छोटे छोटे थे इसी उम्र में, जिस उम्र के ये बच्चे अभी घूम रहे हैं, इस उम्र में जो राजस्थान के बाहर जो प्रवासी चले गए उनको ये दिन बहुत याद आते हैं। ये दिन याद आते हैं, इन दिनों के बाद ही उनको ये चीज़ें याद आती रहती है कि हम राजस्थान के छोटे छोटे मेलों में घूमते थे बचपन में, बचपन की याद आती है। और हम जलेबी खाते थे, मावा खाते थे, ये हम खुद है और हमारा हम खुद एक मिठाई की दुकान भी लगाते हैं यू मेले के अंदर, जो बगड़ी नगर के मावे के नाम से। और साथ में हमारे कई मित्र होते हैं जो हमारे स्टाफ के लोग होते हैं, वो भी जलेबी की दुकान लगाते हैं, कोई समोसे की दुकान लगाता है। मेले के अंदर दुकानें लगती रहती है और हम हर व्यक्ति कमाने के लिए आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना, क्यों व्यापारी लोग होते हैं बेचारे, उनका भरण पोषण इन्हीं मेलों से होता है। और अब कलश आएगा, इस कलश का हम वीडियो पूरा आपको बताएंगे। अभी कलश में ये बहनें आ रही है हमारी, हमारी माताएं आ रही है, हमारे भाई आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पुरुष आ रहे हैं। ये जो कलश आता है केसरिया कंवर जी का कलश, जो हर साल ये कलश निकलता है और ये जोत जाती है केसरिया कंवर जी के। और केसरिया कंवर जी का एक कहावत है, बहुत ही बड़ा पर्चा माना जाता है यहाँ पर। केसरिया कंवर जी के जो मेला होता उस दिन केसरिया कंवर जी के जो सांप खूब सारे आते हैं यहाँ पर और दूध पीकर जाते हैं केसरिया कंवर जी मंदिर में, ये पर्चा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ऐसे पर्चे लोगों को दिए हुए हैं और इस मंदिर के अंदर ये काफ़ी लोगों को एहसास हुआ है, लोगों की धावना भी कह सकते हैं, इनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसी वजह से लोग इतने इस मंदिर को मानते हैं, केसरिया कंवर जी को मानते हैं। और ये कितना आनंद ले रहे हैं इस मेले में आप खुद देख लीजिए, अंदाजे देख लिया। कुछ बहनें कुछ माताएं बहनें अभी डांस करेगी, ये डांस देख लीजिए। और ये माताएं बहनें इसी तरीके से केसरिया कंवर जी को दिल से याद करती है और दिल से नाचती है गाती है। बड़े बड़े भाई बुजुर्ग सब इस मेले में आनंद लेते हैं। ये राजस्थान के ट्रेडिशनल तरीके से पगड़ी लगाकर धोती पहनते हैं लोग, धोती पगड़ी वाले, आज भी ये परंपरा है राजस्थान हिंदुस्तान में मौजूद है। अगर आप हिंदुस्तान के हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो इन परंपराओं के इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्यों ये परंपराएं आज भी जिंदा है हमारे राजस्थान के मारवाड़ में। लोग तो इन परंपराओं को भूल गए, मंदिरों में बहुत कम जाते हैं आजकल, कई लोग शहरों के लोग तो, लेकिन गांव के लोग आज भी मंदिरों में उसी तरीके से जाते हैं, भगवान को उसी तरीके से याद करते हैं। ये माताएं जो केसरिया कंवर जी के रथ के आगे अपने दुपट्टे से ऐसे ऐसे सफाई करती है और केसरिया कंवर जी का रथ आता है, ऐसी ऐसी माताएं होती है। आज भी उनकी धावना होती है कि उनके लिए भगवान सर्वोपरि होता है, ईश्वर सर्वोपरि होता है, उनके लिए देवता सर्वोपरि होता है। लेकिन आने वाला युग ऐसा आ रहा है जो देवताओं भगवान पर विश्वास बहुत कम लोग करते हैं, शहरी लोग, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो आज भी उसी तरीके से इसी भावना के साथ केसरिया कंवर जी का मेला के अंदर और राजस्थान के कोई भी मेला, हर मेले में इसी तरीके से पूजा करते हैं, इसी तरीके से नारियल चढ़ाते हैं, इसी तरीके से जोत करते हैं। ये मेला बहुत ही लंबा मेला पड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा मेला है। इसका हमें वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में भी काफ़ी समय लगा, लेकिन फिर भी अब मंदिर के पास पहुंच गए, वो रथ आ रहा है पीछे और हम पहले ही आगे मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है केसरिया कंवर जी मंदिर, इस मंदिर से होते हुए हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर ये सुराती घंटा लगा हुआ, अंदर जाते ही एक बड़ी जोत लगती है। इस बड़ी जोत के अंदर जितने भी श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में,
वो क्या करते हैं, सबसे पहले नारियल फोड़ के इस जोत में डालते हैं। ये अखंड जोत की तरह मेले के दिन लगातार जलती रहती है और इतनी बड़ी मात्रा में जलती, इतने नारियल जलते, हजारों की तादाद में यहाँ पर नारियल जलते हैं और लोग मत्था टेकते हैं केसरिया कंवर जी के आगे, मत्था टेक कर उनको याद करते हैं और उनसे अपनी भावना मनोकामना मांगते हैं कि केसरिया कंवर जी हमारी मनोकामना पूरी करो, हमारे दिल की हर इच्छाएं पूरी करो। लोगों के मन में जो इच्छाएं होती है केसरिया कंवर जी उनके लिए एक वरदान की तरह उनको उनकी हर भावना समझते हैं। ये मंदिर के अंदर जो ये इतने जो घंटे लगे हुए हैं, ये माताएं बहनें, कुछ लोग अपनी मर्जी से भी घंटे लगाती है, उनकी कोई बड़ी बड़ी मन्नतें होती है और यहाँ पर ये घंटे लगाती है और बजाती है महिलाएं। और उसके साथ ये रहा मुख्य मंदिर जो अंदर, जहाँ पर केसरिया कंवर जी का मुख्य स्थान कह सकते हैं इसको, जहाँ पर ये पुजारी बैठे हैं, यहाँ पर नारियल चढ़ते हैं, यहाँ पर जो आका कहते हैं गेहूँ के आके लेती है माताएं और उनकी भावना होती है कि आके लेने से उनको पता चल जाएगा भगवान के मंदिर में कि भगवान के मंदिर में अभी हमारी मनोकामना पूरी होगी के नहीं होगी। इसी वजह से ये अखंड जोत जलती रहती है और लोग अपनी मन्नतें मांगते रहते हैं और यहाँ पर हर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। इस मंदिर में कोई खाली हाथ नहीं जाता, इनकी भावना है, ये केसरिया कंवर जी के स्थान की भावना है। और केसरिया कंवर जी का मेला हमने ब्लॉग बनाया और जैसे ही मंदिर के बाहर आया धुआंधार बारिश, इतनी खतरनाक बारिश हुई यहाँ पर, पूरा मेला तहस नहस हो गया। और ऐसी बारिश हमने कभी किसी मेले में फिलहाल तो नहीं देखी क्योंकि तूफानी हवा और तूफानी बारिश उसके साथ ये मेला चला। और इस मेले के अंदर और सब बेचारे छोटे छोटे दुकानदार थे, उनके सारे सामान बह गए, सामान मिठाइयाँ डूब गई और सारे लोगों के टेंट गिर गए। देखो ये माता ये टेंट गिर गया, उसके नीचे खड़ी है और इतनी तेज़ बारिश आई थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो हम तेज़ बारिश थी जब हमने वीडियो नहीं बना पाए, ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन निज़ाम तवर ब्लॉग हम बना रहे हैं। प्लीज़ हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, हम हमारा वीडियो पूरा देखना और नीचे कमेंट में जरूर करना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करते रहना क्योंकि आप कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा किन किन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है। आप कमेंट जरूर करना हमारे प्रवासी भाइयों के लिए, हमने इतनी मेहनत करते हैं, मेले के अंदर जाते हैं, बारिश हो या तूफान हो फिर भी आपके लिए मारवाड़ क्षेत्र का ब्लॉग बना के लेके आते हैं, मेलों का ब्लॉग बनाते हैं। और हमारा निज़ाम तवर ब्लॉग जरूर देखें और हमारा यूट्यूब चैनल हमारा प्यारा मारवाड़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्यों आप लोग ये वीडियो देख कर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और क्यों फिर हम किस लिए मेहनत करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आगे हमें नए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इसलिए प्लीज़ आपको एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे बिना आप ये वीडियो मत छोड़ना और वीडियो पूरा देख कर रहना। और ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है और ये वीडियो हमने खुद ने शूट किया है और ये हमारा प्यारा मारवाड़ यूट्यूब चैनल पर शूट किया है। और ये मेला बहुत ही लंबा भरा जाता है, हम इस मेले में काफ़ी बार लंबे बहुत ही घूम चुके हैं इस मेले में। और प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और इस मेला हमने ये मेला आपको बताया है, इस मेले में आपको कैसा लगा ये मेला ज़रूर बताना, क्यों मेले के अंदर हम आपके लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, कुछ ऐसी मनोरंजन की चीज़ें दिखाते हैं और मेला दिखाते हैं। बड़े बड़े शहरों की खबरें तो दुनिया दिखाती है, हम गांव की खबरें दिखा, हम गांव के छोटे इंसान हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं। आप तो बड़े यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर को आप बड़े बड़े लाइक देते हो, बड़े बड़े फॉलो करते हो क्यों, उनके मिलियन फॉलोअर होते हैं और हम छोटे यूट्यूबर, हम गांव के हैं, गांव के लोगों को आजकल कौन लाइक करता है, कोई लाइक नहीं करता है, गांव के लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करता है, बड़े बड़े शहरों के लोगों का सपोर्ट करते हैं कि उनके वीडियो पूरे देखते हो, उनके सब्सक्राइब करते हो, खूब कमेंट करते हो उन लोगों को, हमें क्यों करोगे आप, हम गांव के इसलिए कहता हूँ। गांव की खबरें तो कोई कोई दिखाता है, शहरों की खबरें तो हर कोई दिखा देता है, हम गाँव की खबरें दिखाते हैं। इसलिए ये मेला अभी जा रहा है, बारिश ख़त्म हो गई, लोग दुकानें समेट समेट कर घर जा रहे हैं, भाग रहे हैं घर, ऐसे भाग रहे हैं जैसे मुट्ठी में थूक कर, क्यों बारिश हुई, लोगों के पकोड़े गर्मा गर्म पकोड़े तेल में पानी भर गया, हर जगह पानी भर गया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताना। हमारा प्यारा मारवाड़, ये हमारे पीछे मेला है और इस मेले का पूरा ब्लॉग बनाया हमने हमारा प्यारा मारवाड़ यूट्यूब चैनल पर, ये पूरा हमारा मेला आपको वीडियो बता दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो हमने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया, प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर हमारा कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ये हमारे पीछे व्यापारी गाँव का मेला और इसका वीडियो हमने आपको बिल्कुल अभी मेला समाप्त हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घर पे। देखो ये हमारी पूरी गैंग, अभी हम जा रहे हैं घर पे, मेला समाप्त हो गया। देखिए एंजॉय खुशी के साथ ये हमारा मेला पूरा समाप्त हो गया है। और मेला समाप्त होते ही अभी हम देखिए ये हमारा ब्लॉग बन चुका है। देखिए हमारा प्यारा गांव बगड़ी नगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।